कि आपके वीडियो में 30, 40, 50 व्यूज आके रुक जाता है, आगे व्यूज आता ही नहीं है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आपका भाई आ गया है इसका सॉल्यूशन लेके। सो गाइस कैसे आप सब, मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, आफियत से होंगे। दोस्तों क्या आपके साथ में इस तरह से होता है कि जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद में जो है थोड़ी देर तक या एक दिन तक जो है कुछ व्यूज आते हैं, 30, 40, 50, 60 व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद में जो है आपके वीडियो के अंदर व्यूज आता ही नहीं है। क्या आपके साथ में इस तरह से हो रहा है? दोस्त अगर आपके साथ में इस तरह से हो रहा है तो घबराइए नहीं, आपका भाई जो है इसका सॉल्यूशन लेके आ गया है। वो भी एक सॉल्यूशन लेके नहीं आया है बल्कि दो दो जो है टिप्स, दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चाहे आपका कितना ही पुराना वीडियो हो, उस वीडियो के अंदर आप व्यूज किस तरह से लाएंगे? जिस वीडियो के अंदर बहुत दिन से व्यूज नहीं आ रहा है तो उन सब वीडियो के अंदर व्यूज किस तरह से लाएंगे? तो आज की इस वीडियो के अंदर व्यूज लाने का दो तरीका मैं आपको बता देने वाला हूँ। दोस्त अगर आप इन दोनों तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके पुराने से पुराने वीडियो के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा व्यूज आने लग जाएंगे। तो दोस्त ये जानने के लिए कि पुराने से पुराने वीडियो में जिस वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है तो उन सब वीडियो में व्यूज किस तरह से लाते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं रोजाना सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड करता हूं और मेरे वीडियो के अंदर जो भी बंदा 9 बजे से लेकर 9:30 के अंदर अंदर में अच्छा कमेंट करता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है और जो है मेरे वीडियो को लाइक करता है और अच्छा कमेंट करता है और मेरे वीडियो को फुल वॉच करता है, मैं क्या करता हूँ कि 9:30 मैं रैंडम कमेंट पिकर में किसी एक को विनर चुनता हूँ। तो जो भी लकी होता है वो विनर चुना जाता है, जिसकी वजह से मैं उनके चैनल को प्रमोट करता हूँ। तो मेरी वजह से जो है उनको कुछ व्यूज और कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो दोस्त अगर आप भी मेरे से अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो आप भी सुबह 9 बजे मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके भी चैनल को प्रमोट कर पाऊं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तरीका आप सुन लीजिए, पहला तरीका मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका चाहे कितना ही पुराना वीडियो हो, अगर उस वीडियो के अंदर व्यूज नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि उस वीडियो का थंबनेल चेंज कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देखिए लोग उस वीडियो पे क्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनको जो है थंबनेल पसंद नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जो थंबनेल आप उस वीडियो में सेट किए हैं तो उस थंबनेल को डिलीट कीजिए और जो है उस थंबनेल से अच्छा थंबनेल बना के जो है उस वीडियो के अंदर डाल दीजिए, ताकि जो है लोगों को ये वाला थंबनेल यानी जो अभी आप सेट करेंगे तो ये वाला थंबनेल ताकि लोगों को पसंद आए और जो है उसकी वजह से आपके वीडियो में जो है क्लिक कर पाए। तो ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उसी वीडियो का जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट, ये तीनों चीज जो है चेंज कर दीजिए। इसलिए कि देखिए हो सकता है कि आपने जिस टाइटल को डाला हो तो वो टाइटल जो है ज्यादा सर्च में नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना है कि सर्चेबल टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन जो है वो उठा के आप अपने उस वीडियो में डाल दीजिए। दोस्त अगर आप ये दो काम करेंगे अपने पुराने से पुराने वीडियो के अंदर तो दोस्त चाहे आपके पुराने वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है तो ये दो काम करने से जो है आपके पुराने से पुराने वीडियो के अंदर व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।